हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, तो कैसे हो आप सब लोग। टाइटल तो आपने रीड कर ही लिया होगा, हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल एंड अदर गेम्स इन लो एंड पीसीस विदाउट एनी ग्राफिक्स कार्ड। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर बोलना मत गाइस कि मेरी गेम लैग होती है और ये सब मज़ा नहीं आ रहा है गेम खेलने में। और गाइस, जो भी चैनल पर न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते आज के वीडियो में। इंस्टॉलर के ऊपर देख सकते हो एक और फोनिक्स वैसे स्टार्ट का ऑप्शन बन चुका है, आपको यहाँ से रिस्टार्ट करना है। तो गाइस इसको आपको ओपन करना है, इसको ओपन कर ओके जैसे ही तो आपको एक रिस्टार्ट का ऑप्शन पूछेगा। तो बताता हूँ आपको कैसे इसको ओपन करना। चलिए, तो वैसे आपको ये दिख रहा है रिस्टार्ट फोनिक्स वैस पर क्लिक किया आपने और यहाँ पर येस करना है और ऑटोमेटिकली गाइस ये रिबूट स्टार्टिंग हो जाएगा, रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो गाइस इसको रिस्टार्ट होने देना है। गाइज ये रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद गाइज ऐसे दो ऑप्शन आएगा, तो आपके फोनिक्स ओएस और विंडोज़ पूछेगा, विंडोज़ 10 या फोनिक्स ओएस। आपके ब्लू आइकन में भी आ सकता है गाइज, तो आपको फोनिक्स ओएस पे क्लिक करना है। और ये आपको कीबोर्ड के एरो से भी कर सकते हो और माउस से भी कर सकते हो। तो गाइज आपको ब्लू आइकन में भी आ सकता है, मेरा थोड़ा सिस्टम डिफॉल्ट अलग है इसलिए मेरे को ब्लैक आइकन में अगर वाइट में दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से फोनिक्स ओएस पे क्लिक करना है गाइज, फोनिक्स ओएस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन पूछेगा। चलिए गाइज, माउस से या नहीं हो तो कीबोर्ड से आप एरो से नीचे जाकर फोनिक्स ओएस पे क्लिक करना। उसके बाद गाइज यहाँ पे बूटिंग होगी फोनिक्स ओएस की, तो इंस्टॉलेशन हो रहा है फोनिक्स ओएस का। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा एमुलेटर है गाइज, मैं भी इसी में ही खेलता हूँ फोनिक्स ओएस। तो गाइज आप भी खेलोगे तब आपको पता चलेगा कितना। तो गाइज यहाँ पे आपके सेलेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो गाइज यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, यहाँ से आपकी जो भी लैंग्वेज है ऐसे सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश यूएस। तो यहाँ पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट, फिर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद गाइस जो भी वाईफाई अगर आपके पास कनेक्टेड है यहाँ से कनेक्ट कर लो या फिर नेक्स्ट कर लो, जो आप करना चाहते हो।
नेक्स्ट कर लो। अगर आपको वाईफाई कनेक्ट नहीं करना या फिर कनेक्ट करना है तो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो, अगर नहीं करना तो यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आपका नाम लिखना हो तो लिख लेना वरना चलेगा ओनर भी। यहाँ पे आपका नाम लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे फिनिश, फिनिश करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फोनिक्स। तो गाइस यहाँ पे फोनिक्स OS इंस्टॉल हो चुका है, तो रुको जरा गाइस, जाना नहीं क्योंकि अभी आएगी मेन दिक्कत। गाइस आपको वीडियो को एंड तक पूरा देखे तो बताता हूँ गाइस आपको पहले तो पबजी कैसे इंस्टॉल करना। तो गाइस यहाँ पे प्ले स्टोर अवेलेबल है बट प्ले स्टोर पे पबजी बैन हो चुकी है, तो इंडियन वर्जन जल्द ही आने वाला है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और तो गाइस तब तक के लिए यहाँ पे आपको जेंडर मिलता है और जेंडर भी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से या पे ब्राउज़र में जाके, तो जेंडर से आप पबजी ले सकते हो फ़ोन से, ठीक है। तो जेंडर से पबजी लेने के बाद अभी आती है प्रॉब्लम्स की बारी। तो फर्स्ट प्रॉब्लम गाइस आपको आएगी माइक की, जब भी आप टीममेट से बात करोगे तो आपको टीममेट को बहुत शोर सुनाई देगा, तो उसके लिए आपको गाइस सॉल्व करने के लिए आपको ES फाइल एक्सप्लोरर डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो गाइस ये ES एक्सप्लोरर फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है ब्राउज़र में, फिर जाना है गूगल में, उसके बाद लिखना है ES एक्सप्लोरर। इस पर जाने के बाद गाइस जो भी फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करने के बाद गाइस जैसे लेटेस्ट वर्जन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर दीजिए। अगर गाइस ये डाउनलोड हो जाए फिर इस पर आना है आपको ES फाइल एक्सप्लोरर पर आना है, आपसे परमिशन वर्मिशन मांगेगा, सब यस कर देना है। फिर गाइस जाते हैं रूट एक्सप्लोरर, इसको रूट दे देना है। उसके बाद आपको जाना गाइस यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद यहाँ पे गाइस ये जो थ्री लाइंस दिख रही है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे डैश स्टोरेज और एमुलेटर जो आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे डैश पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस आपको जाना ETC पे जाने के बाद गाइस आपको सर्च करना है int.sh ये लगा है, इस पर डबल क्लिक करना है। ये ओपन होने के बाद गाइस आपको लाइन नंबर 599 पे जाना है, तो लाइन नंबर 599 तो गाइस 599 और 598 पे जाना। तो गाइस यहाँ पे माइक बूस्टर 0 और इंटरनल माइक बूस्टर 0 तो गाइस आपके यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके ऊपर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस देके आपके यहाँ पे 3 होगा तो 0 कर देना है। और नीचे भी गाइस आपके 3 होगा तो यहाँ पे भी आपको बैक स्पेस देके 0 कर देना, और ऊपर यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ से सेव कर देना है। तो गाइस यहाँ पे तो हो गई आपके माइक की प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस अब बात आती है पबजी लैग ना हो और स्मूथ चले, तो उसके लिए गाइस आपको थोड़ा सफ़र रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होने वाला गाइस ये। तो गाइस आपको यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी है, एक का नाम है एल स्पीड, दूसरे का नाम है GL टूल्स और तीसरे का नाम है परफॉर्मेंस। तो गाइस इनको इंस्टॉल करने के लिए भी आपको आप ब्राउज़र पे जाना है, ब्राउज़र पे जाने के बाद गूगल पे जाना, उसके बाद आपको जाना एल स्पीड पे। एल स्पीड पे जाने के बाद हर बार गाइस फर्स्ट लिंक पे जाना है, हर बार दूसरी वाली लिंक ओपन नहीं होगी। तो एल स्पीड पे जाने के बाद गाइस जैसे आपको एल स्पीड डाउनलोड कर देना है, लेटेस्ट वर्जन एल स्पीड डाउनलोड होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे लिखना है GL टूल्स। तो गाइस GL टूल्स भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ये आपसे ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हो, आपके यहाँ पे बहुत सारे लिंक दिख रही है कहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से GL टूल्स भी डाउनलोड हो जाएगा गाइस। उसके बाद आता है गाइस एक मेन चीज, परफॉर्मेंस ट्विकर। तो गाइस ये जो परफॉर्मेंस ट्विकर है ना बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप तो गाइस परफॉर्मेंस ट्विकर पे आपने आ चुके हैं तो अभी परफॉर्मेंस ट्विकर उस पर क्लिक करते हैं रूट वाले पे। तो गाइस यहाँ पे रूट वाला पे खुल गया है और रूट वाला ही डाउनलोड करना आपको परफॉर्मेंस ट्विकर, तो यहाँ से गाइस आपको डाउनलोड कर लेना। तो गाइस परफॉर्मेंस ट्विकर ये तीनों एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको खोलना है एल स्पीड। एल स्पीड खोलने के बाद परमिशन वर्मिशन मांगेगा तो गाइस दे देना है। परमिशन वर्मिशन देने के बाद तो गाइस यहाँ पे बूस्ट सेल्यूलर डिसेबल ही रखना है, आपको डिसेबल रखना है। यहाँ पे डिसेबल WDing ऑन कर देना है, कर्नल पैनिक ऑफ, फिर यहाँ पे अलाउ हायर यूट्यूब रिजोल्यूशन डिसेबल, मोनोक्रोम भी डिसेबल, और गाइस यहाँ पे देख लो विंडो एनिमेशन स्केल और ये सब 0.25x दे देना है। फिर गाइस आपको आना है यहाँ पे 3 लाइंस पे, आने के बाद आपको जाना है CPU टर्नर पे। जाने के बाद गाइस यहाँ पे गवर्नर ट्यूनर परफॉर्मेंस कर देना आपको परफॉर्मेंस, और एक्सीक्यूशन इंटरवल 3 मिनट्स कर देना है, और नीचे CPU ऑप्टिमाइजेशन पे भी परफॉर्मेंस कर देना है गाइस। उसके बाद आपको आना है वापिस 3 लाइंस पे, और कुछ है इसके अंदर करने लाइक तो मैं बताता आपको। इसके बाद आई थिंक आपको IQ ट्यूब पे आना पड़ेगा। IQ ट्यूब पे आने के बाद शेड्यूल टर्नर ऑन कर देना, डिसेबल IQ स्टेटस भी ऑन कर लेना, और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे इसकी सेटिंग लगभग हो चुकी है, रैम मैनेजर में कुछ है क्या? हाँ तो गाइस रैम मैनेजर भी वही है सेम,
तो आप देख लो गाइस, हीप ऑटोमेशन ऑन कर देना है, स्विफ्ट एनडीसी 1%, यहाँ पे भी परफॉर्मेंस सेलेक्ट करना है, डिसेबल मल्टीटास्किंग ऑन करना है, मैं रैम मैनेजर ओनली गेमिंग सेलेक्ट करनी है क्योंकि हम यहाँ पे गेम खेलने के लिए सिर्फ इंस्टॉल किया फोनिक्स ओएस। तो गाइस ये सब होने के बाद यार स्पीड की सेटिंग हो गई पूरी, या फिर इसको कट कर दो, फिर खोलो गाइस जीएल टूल्स। तो गाइस जीएल टूल्स बहुत ही ज़रूरी है, तो जीएल टूल्स में गाइस आपका पबजी या पे डुडो पबजी मोबाइल, ये रहा गाइस आपका पबजी मोबाइल जीएल टूल्स में। जीएल टूल्स में पबजी मोबाइल में जनरल में गाइस यहाँ पे अनेबल कस्टम सेटिंग अनटिक रखना है, डिफ़ॉल्ट ये आपको एंटी एलाइजन MSAACSA रखना है, फिर अलाउ इसको भी डिसेबल रखना है, ये भी A1X रखना है। तो गाइस आपके मेन चीज़ है GPU, तो GPU में गाइस ऊपर तीनों अनटिक होने चाहिए। और आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो आपको क्या क्या सेटिंग करनी है, मैं यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पे गाइस आपको ये सेटिंग करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी सेटिंग करनी है। फिर FPS काउंटर में आने के बाद FPS काउंटर डिसेबल, FPS अपडेट डिलेड, MS 250 और FPS लोकेशन टॉप राइट। तो गाइस यहाँ पे आपकी सेटिंग हो चुकी है, इसकी भी फिर गाइस आपको आना है परफॉर्मेंस। तो गाइस परफॉर्मेंस में आने के बाद मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको 800 हर्ट्ज कर देनी है, मेगा हर्ट्ज, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको 1700 मेगा हर्ट्ज कर देनी है। सीपीयू गवर्नर चेंज गवर्नर करके यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर देना, पावर सेव होगा गाइस यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 डॉट पे आना है और वर्चुअल मेमोरी में गाइस आना है, वर्चुअल मेमोरी में डेली रेशियो 30, डर्टी बैकग्राउंड रेशियो 5, ये यहाँ पे 500, ये 1000। तो गाइस यहाँ पे लगभग सेम होगा, कुछ चेंजेस करने का हो सकता है तो आप कर लेना कुछ चेंजेस। फिर आते आई इस पे, तो गाइस देख लो बस इतना ही है इसमें। तो गाइस ये सब कुछ हो चुका है, तो गाइस चलिए अभी मैं आपको पबजी ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा है पबजी ग्लोबल, क्योंकि मेरे फ़ोन में पबजी बैन नहीं हुई थी तो मैंने तो जेंडर से ले ली मेरे फोनिक्स ओएस के अंदर। तो चलिए मैं अभी आपको पबजी खोल के बताता हूँ गाइस इसके अंदर कितना ग्राफिक्स और फ्रेम रेट सपोर्ट करता है। गाइस सपोर्ट तो एक्सट्रीम तक जाता है, बट आप फोनिक्स ओएस क्यों डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि आपका पीसी हाई एंड नहीं है और आपके पीसी में गेम लैग करती है, तो आपको एक्सट्रीम तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पीसी हाई एंड है ही नहीं, तो आपको एक्सट्रीम में क्यों खेलना है। आपका पीसी है लो एंड और आपको खेलना है स्मूथ गेम प्ले विदाउट एनी लैग। तो गाइस मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा उसको आप कर लेना, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए तो गाइस आप प्लीज़ कमेंट करके दिखाओ, हम आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ज्वाइन करके या किसी भी तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा पबजी ओपन हो रहा है, तो थोड़ा वेट करते, ये हमारा ग्लोबल वर्जन है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हमारा पबजी ओपन हो चुका है, तो यहाँ से एमुलेटर डिटेक्शन ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको आना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद पहले तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ ग्राफिक्स में। गाइस ये देखो गाइस, ये जो ग्राफिक्स है ये एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है, बट आपको इतना जाना ही नहीं है गाइस, क्योंकि लो एंड पीसी है और आपको स्मूथ गेम प्ले खेलना है तो एक्सट्रीम तक नहीं जाना गाइस। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो लो और आपको दूर तक दिखने में प्रॉब्लम होगी गाइस, दूर तक दिखने में प्रॉब्लम होगी, तो गाइस यहाँ पे आपको कर देना है बैलेंस। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे जो स्टाइल है गाइस, स्टाइल कर देनी है कलरफुल। यहाँ पे कलरफुल करने के बाद नीचे आओ, एंटी अलाइजिंग को करना है ऑफ, शैडो को भी करना है ऑफ, यहाँ पे ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देना, 110 कर देना ब्राइटनेस। और गाइस यहाँ पे जो ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स है इसको ऑन कर देना, क्योंकि गाइस ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो गाइस ये होने के बाद यहाँ से आप कर लो ओके। ओके करने के बाद गाइस सेंसिटिविटी में आपको बता देता हूँ, फोनिक्स ओएस की सेंसिटिविटी रखनी है आपको हाई, हाई रखना गाइस हाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है। अब गाइस बात आती है कंट्रोल्स की मैपिंग्स की, तो गाइस कंट्रोल कैसे सेटिंग करने आपको मैं बता देता हूँ। कंट्रोल्स में आना है, कस्टमाइज में आना है। तो गाइस ये जो कंट्रोल्स है ये मैंने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किए हैं, तो इस पर कैसे आना गाइस, तो ये जो गाइस ये ऊपर आपको ये दिख रहा है भूत, ब्लू कलर का भूत, तो गाइस इसको भी कैसे लाना है, ये ऑटोमेटिक नहीं आता गाइस, स्टार्टिंग में आपको इसको लाने के लिए इस पर जाना पड़ेगा। स्टार में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे गेम हेल्प पे क्लिक करना है। गेम हेल्प पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आपको पबजी ओपन करोगे की मैपिंग से यहाँ से, तो आपका वो भूत आ जाएगा गाइस। तो वो भूत आते ही गाइस ये रहा भूत, ये भूत आते ही आप यहाँ से भूत को क्लिक करना,
खुद को क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लस का आइकन है यहाँ से नई की ऐड होती है या फिर क्लिक करके न्यू की ऐड होती है गाइस। जैसे मैं आपको बताता हूँ गाइस, जैसे कि ये जो गाइस ये है मेरा रिवाइव का जी है, मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और न्यू की पे क्लिक करता हूँ, वापस जी टाइप करता हूँ गाइस, तो वो न्यू आ गई है। उसको यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर ला के छोड़ दीजिए गाइस। तो गाइस यहाँ से आप पूरा देख लो, आप सेटिंग कर सकते हो एकदम अपना गेम लूप की तरह गाइस, जो भी की आपको चाहिए यहाँ पे ला के। और गाइस जो ये जो कंट्रोलर है ना, ये जो माउस का पॉइंटर दिख रहा है आपको, यहाँ से सेव कर लेना। तो गाइस आपको आपका जो ये माउस का पॉइंटर दिख रहा है ये कैसे आएगा मैं बता देता हूँ, कंट्रोल से नहीं आएगा गाइस। ये जो माउस का पॉइंटर है ये कंट्रोल से नहीं आएगा गाइस। कंट्रोल से क्यों नहीं आएगा बताता हूँ, ये अपना गेम लूप नहीं है। तो आपको ये जो माउस का पॉइंटर लाने के लिए गेम, अगर जैसे कि आप गेम खेल रहे हो और गेम में आपको माउस का पॉइंटर लाना है, तो आपका जो माउस के जो बटन है ना लेफ्ट एंड राइट, उसके बीच में जो स्क्रॉल बार है ना, उसको दबाओगे ना तो आपका ये माउस का पॉइंटर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, फ्लैग मोड जाते हम गाइस प्रैक्टिस के अंदर ट्रेनिंग में, चलो हमको लेके जाओ। तो गाइस हम यहाँ पे गए ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग के अंदर जाने के बाद गाइस आपको मैं बता देता हूँ, पानी में डूब जाओगे तो गाइस मर जाओगे, उसकी भी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो गाइस पानी की सेटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नदी के अंदर। नदी के अंदर जाओगे तो ही तो आपके पानी की सेटिंग हो पाएगी गाइस। तो चलिए थोड़ा सफर कीजिए, लेके जाओ भाई लेके जाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अरे हमको प्रैक्टिस मोड में जाना है। तो गाइस ये देख सकते हो, और ये मेरा बंदा यहाँ पे भागते हुए बहुत ही तगड़ा। तो गाइस आपको मैं दिखा देता हूँ भाई, ये जो गाइस ये देख रहे हो, ये जो है ना, अभी आपको पॉइंटर लाना गाइस, जो माउस का पॉइंटर है माइक बंद करने उसके लिए। तो गाइस क्या करना है आपको, कंट्रोल से नहीं आएगा, वो गेम लूप में आता है तो कंट्रोल से नहीं। तो गाइस आपका जो राइट बटन और ये जो लेफ्ट बटन है माउस का, उसके बीच में जो स्क्रॉल बार है उसको घुमाना नहीं, उसको क्लिक करना दबाना है। तो जैसे ही गाइस आपने दबाया तो ये देख सकते हो आपका माउस पॉइंटर आ गया गाइस। माउस पॉइंटर आने के बाद गाइस यहाँ पे हम चलते हैं पहले, तो आप गाइस देख सकते हो कितना स्मूथ चल रहा है गेम बहुत ही स्मूथ चल रहा है। तो गाइस यहाँ से पहले हम यहाँ से हमारी फेवरेट M4 उठा लेते हैं, हमारी M4 उठा ली हमने, और थोड़ी गोलियाँ वोलियाँ ले लेते थोड़े। तो आपको गाइस बताता हूँ, पानी के अंदर आप डूब जाओगे गाइस, तो पानी के अंदर आपको डूबना नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, पानी के अंदर डूबना नहीं है गाइस आपको। तो मैं उसकी भी सेटिंग बताता हूँ आपको, पहले थोड़ी वायरिंग कर लेते हैं गाइस। तो ये देख सकते हो हमारे दोस्त लोग हमको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे। तो गाइस हम खेलेंगे लाइव स्ट्रीम में बाद में।